लवली लेडीज, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। एक और नए वीडियो के साथ आपके सामने पेश हूँ, जो होने वाला है आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच। लास्ट जो भी वीडियोस मैंने डाली थी आपको बहुत ज्यादा पसंद आई थी और उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैंने कहाँ से इंस्पिरेशन ली, फैब्रिक कहाँ से सोर्स किया, क्या डूज एंड डोज होने वाले हैं, सब कुछ ए टू जेड एंड फाइनल लुक भी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलो ज्यादा बातें ना करते हैं, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और बताती हूँ कि मैंने इंस्पिरेशन कहाँ से ली। तो फर्स्ट स्टेप में मैंने इंस्पिरेशन ली पिंटरेस्ट से। हाँ जी, क्योंकि लास्ट ईयर से मैं देख रही हूँ गोल्डन कलर एंड रस्ट ऑरेंज कलर या रस्टी ऑरेंज कलर बहुत ज्यादा इन है, इवन अभी तक चल रहा है। तो मुझे लगा था कि मुझे इन्हीं दोनों कलर में से कुछ लेना है एंड देखते हैं क्या होता है। तो मैं पहुंच गई थी लाजपत, क्योंकि मुझे फैब्रिक के मामले में, मुझे लगता है अभी मुझे और मैंने डिस्कवर नहीं किया, हो सकता है कोई और भी ऐसी जगह हो दिल्ली एनसीआर में जहां पे अच्छे मिलते हो। बट मैंने इंस्टा पे बहुत ज्यादा इन पर्टिकुलर शॉप के बारे में सुना था। ऐसा कोई भी मुझे स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं होने वाली है, मैं खुद से बता रही हूँ। तो मैं पहुंची थी लाजपत तेग चंद फैब्रिक्स में। हाँ जी, अब आपको आप देख लो मैं वहां पहुंची, मैंने क्या देखा क्या लिया, ठीक है। मेरी जो इंस्पिरेशन है वो मैं अभी आगे डिस्कस करने वाली हूँ, तो पहले इस चीज को देख लो। तो देख सकते हो मैं पहुंच गई हूँ तेग चंद फैब्रिक। बॉलीवुड स्टाइल पूरा लिखा हुआ है, आप ये पढ़ सकते हो, तेग चंद बॉलीवुड स्टाइल फैब्रिक। ऊपर इनकी बुटीक भी है, ठीक है, आप वहाँ से भी बनवा सकते हो। और देख सकते हो उनके पास अनगिनत फैब्रिक्स हैं, अनगिनत। आप मतलब बस देखते ही रह जाओ, पूरा दिन निकल जाएगा, बट आपको फैब्रिक यहाँ मिलते ही रहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये स्टोर है, मैं पूरा दिखा रही हूँ कैसे ऐसे है। ये भैया मेरे लिए ढूंढ रहे थे, और ये वाला जो सेक्शन है मैं, ये बहुत महंगा है, मतलब 5,000, 3,000, 6,000 ऐसे ऐसे करके यहाँ के फैब्रिक्स थे। एंड आप देख सकते हो जहाँ से मैंने देखा था, देखो आप अगर स्पॉट कर पा रहे हो कि मैंने कौन सा लिया है, स्पॉट कर पा रहे हो तो ज़रूर से स्पॉट करके मुझे बताना ज़रूर, ठीक है। देखा, मैं तेग चंद फैब्रिक में पहुँची थी, वहाँ पे जाके मैंने इतने सारे, मतलब अगर आपने मेरी तरह एक पर्टिकुलर दिमाग में रखा नहीं है कलर कि मुझे ये चाहिए, एंड तब आप वहाँ पे जाते हो तो आपको इतने सारे ऑप्शन मिलेंगे। बट मैन्युफैक्चरर होने के बावजूद भी उनके पास आपको 500 600 के ऊपर से ही सारी चीज़ें मिलने वाली, उसके नीचे कुछ भी नहीं मिलेगा। मैंने पूछा क्यों, आप तो मैन्युफैक्चरर होना चाहिए, बट उन्होंने बताया नहीं, उसमें क्वालिटी बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती है और बहुत सारी चीज़ें थी, तो इस वजह से। एंड वहाँ पे वीडियो शूट नहीं करने दिया जाता अनटिल अनलेस आप खुद प्रमोट करने जा रहे हो, मतलब उन्होंने या तो बुलाया या तो आप प्रमोट करने के लिए बताओ उन्हें कि आप वीडियो बना रहे हो एंड ऑल। तो थोड़ा बहुत मुझे जो लगा मैंने किया, और जो आपको दिखा होगा वो रियल में कुछ, मतलब रियल का उसका शायद 10% आपको दिख रहा होगा, क्योंकि रियल में इतने प्यारे प्यारे फैब्रिक, मुझे आज भी याद है लहरिया बंदेज इन सब के इतने सही फैब्रिक थे, मतलब 800-1000 रुपए ऐसे मीटर में थे, बट बहुत ज़्यादा अच्छे थे। अगर मुझे लेना होता तो मैं पक्के से वही ले लेती, अगर मैंने अपने दिमाग में वो कलर ना बैठा के रखा था। और एक फैब्रिक मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया था, वो करीब 5,000 से 6,000 रुपए पर मीटर था, वो तो मतलब मैं भूल ही जाऊँ कि कहाँ ही ले पाऊँगी, कहाँ लहंगा पहुँच जाएगा 50-60 और लाखों में, तो इतना तो कतई नहीं लेना था मुझे। मैं फिर भी बहुत कम का बजट बना के गई थी, फिर भी वही है ना कि आप लेने जाओ, और जो इंस्पिरेशन थी मेरी वो ये रही, स्क्रीन पे आपको दिख जाएगी। वैसा क्लोज कहीं नहीं था उनके पास, मुझे लगा फिर क्लोज नहीं है तो कलर ही देखते हैं। फिर मैं पहुंची थी और मैंने फिर ये कलर चूज किया था जो कि आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, एंड इसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा, मुझे लगा था कि होगा 1000 रुपए के अंदर ही होगा, बट ये 2500 रुपए कोट किया था, और मुझे करीब, मुझे जो अभी याद आ रहा है 1850 रुपए समथिंग मीटर पड़ा था। एंड मैंने 4.5 मीटर कपड़ा लिया था, मैंने उन्हें पे किया था 8500 रुपए, तो आप कैलकुलेट कर लेना उस हिसाब से कि कितने रुपए मीटर पड़ा, ठीक है। अब बात आती है कि अब मुझे स्टिचिंग करानी है, कि कहाँ से कराऊं, कैसे कराऊं, मैं स्टिचिंग कहाँ से कराऊं। तो मुझे लगा कि मैं दिल्ली एनसीआर में कहीं भी करूंगी ना तो बहुत महंगा है, मतलब यहाँ से लहंगे की स्टार्टिंग जो स्टिचिंग है, जो बिल्कुल बेसिक है, वो 3,000 से स्टार्टिंग है, ठीक है। एंड मुझे तो बहुत ज़्यादा फ्लेयर वाला बनाना था, तो मैंने कहा यहाँ तो नहीं, जब मैं अपने होम टाउन प्रयागराज जा ही रही हूँ तो वहाँ बनवाऊंगी, क्योंकि वहाँ बहुत सारे मेरे नोन टेलर मास्टर वगैरह जो मतलब बुटीक्स वगैरह रन करती हैं वो हैं जानने में, ठीक है। एंड मैंने जहाँ से लास्ट टाइम करवाया था
वहाँ मैं नहीं गई, उस चीज़ का रिग्रेट मुझे आज भी होता है कि मैं क्यों नहीं गई, क्योंकि जहाँ से मैंने इस बार करवाया था ये वाला लहंगा, उनसे क्या हुआ कि अगर मैं शायद उनके पास गई होती तो मुझे वो सजेस्ट करते कि आप इससे ब्लाउज मत बनवाओ, आपको ब्लाउज फैब्रिक और कोई लेना चाहिए, वो ज़रूर सजेस्ट करती, मुझे इतना पक्का श्योर है। क्योंकि एक होता है, एक एक्सपीरियंस होता है, एक टेलर मास्टर आपको बताते हैं, अगर वो नहीं बता पाती तो टेलर मास्टर बताते, बट कोई नहीं, जो भगवान जी को मंजूर होता है वही होता है। मैंने उसे फिर भी पहना था, लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया था तब भी, और तो मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने ब्लाउज पीस की कि इसमें क्या था, इसीलिए मैं बोला डूज एंड डोंट्स सब शेयर करने वाली हूँ आपके साथ। तो देख सकते हो इस ब्लाउज पीस में क्या है ना, सबसे पहला जो ये ब्लाउज की मुझे बेकार चीज लगी वो ये लगी कि इन्होंने जो कप्स यूज किए ना, वो या तो परफेक्ट जगह पे यूज नहीं किए हैं एंड या अच्छे कप्स यूज नहीं किए, क्योंकि इसका लुक पता है बहुत अजीब सा आ रहा था, मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती कि कैसा आ रहा था। और तो ये देखने में आपको बहुत नहीं खराब लग रहा होगा, एंड आप देख सकते हो मैंने जो नीचे पर्ल यूज करने के लिए कहा था वो आउट ऑफ स्टॉक थे, कहीं उन्हें मार्केट में नहीं मिल रहा था, तो वो तो चलो समझ सकते हैं कि वो है ही नहीं मार्केट में, तो ला के कहाँ से देंगी। तो उन्होंने ये वाला लगा दिया था, एंड मैंने नीचे वेव वाला बनवाया था ब्लाउज, एंड ऊपर स्वीट हार्ट नेक लाइन बोली थी, क्योंकि मैंने पूरी उसी से इंस्पिरेशन ली थी जो मैंने आपको इमेज दी, ठीक है। पीछे उन्होंने डोरी लगाई दी थी, ऐसे टेसल्स यूज किए थे, ठीक है, बहुत मतलब उन्होंने अपने एंड से तो अच्छी कोशिश की थी जो वहाँ की बुटीक की ओनर है, बट मुझे टेलर मास्टर के ऊपर बहुत गुस्सा आई थी कि उनको तो समझना चाहिए था। एंड मैंने फुल स्लीव्स बोली थी, उन्होंने 3/4 के थोड़ी सी ज़्यादा बनाई थी, फुल भी नहीं की। अब मैंने इसे सोचा है कि मैं इसे कटवा के अपने यहाँ एल्बो के ऊपर तक रखूँगी, यानी 10 के करीब, हाँ मुझे 10 करीब साइज आती है, वो परफेक्ट आएगी। थोड़ा सा मुझे लगा कि दीदी ने मतलब अपने हिसाब से तो उन्होंने अच्छा ही किया है, तो ये लेसेस वगैरह उन्होंने लगवाई। और एक चीज़ मैंने ध्यान दी है, और हमेशा मैंने वही कहा है ना कि मैं ऑब्जर्व करती हूँ कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जब आपके घर की शादी हो ना तो या तो आप उसे बहुत पहले ही डिसाइड कर लो, ठीक है, शादी के बिल्कुल पास आने पे आपके और बहुत सारे काम होते हैं घर के, आपको उसे करना पड़ता है, फिर वो चीज़ ध्यान में नहीं रह जाती, आपकी प्रायोरिटी चेंज होने लग जाती है, ठीक है, आपको लगता है पहले ये करा लो। तो मेरे साथ यही हुआ कि मैंने पूरा सब कुछ उन बुटीक वाली आंटी के ऊपर छोड़ दिया, तो उन्होंने जो समझ में आया उन्होंने ये वाली लेस लगा दी, जो कि वो बिल्कुल इस पर नहीं जा रही है, आप देख सकते हो उस पर कितना प्यारा पल का काम हो रखा है, कितने प्यारे थ्रेड का काम है। हो सकता है इसको कुछ और भी कहते हो, मैं कुछ और बोलूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी वर्क के बारे में अभी नॉलेज नहीं है, ठीक है। एंड पीछे उन्होंने इस तरह से यू शेप में बनाया था, बहुत डीप वाला बनाया था, ठीक है। तो ऑल दो पहनने पे बहुत अच्छा नहीं लगा, पर लोगों को पसंद आया, मुझे पता नहीं क्यों मुझे नहीं पसंद आया था, ये बता रही हूँ मैं। फिर बात करते हैं, लास्ट में लहंगे की बात करूंगी। बाद में उन्होंने दुपट्टा भी अपने से सोर्स किया, उसमें भी उन्होंने मुझे ये बता दिया था, तो ये देख सकते हो दुपट्टा तो बहुत अच्छा था, ठीक है, क्योंकि मैंने इसे खुद पसंद किया था। इसमें आपको बीच बीच में पल के काम भी देखने को मिलेंगे अगर आपको विजिबल हो। 2 मीटर का उन्होंने फैब्रिक यूज़ किया था, इसमें भी यही वाली लेस लगवा दी थी, ठीक है। एंड साइड साइड में उन्होंने पूरे में इस तरह से टेसल्स लगवा दी थी, ठीक है, बहुत प्यारा लग रहा है, दुपट्टा तो बहुत अच्छा लग रहा है। बस मुझे जो सबसे ज़्यादा दिक्कत वाली थी वो था इसका ब्लाउज, ठीक है, और ब्लाउज ही मेन होता है यार, ब्लाउज ही तो आपका विजिबल होता है, सबसे आगे दिख रहा होता है, ठीक है, अगर वही सही नहीं होगा तो थोड़ा तो दुख होगा ना। उन आंटी की भी मैं नहीं कहूँगी, बट थोड़ा बहुत तो बोलूँगी भी, क्योंकि टेलर मास्टर तो उन्हीं के थे ना। अब आते हैं मेन लहंगे पे, ठीक है, लहंगा आपको मैं दिखाऊँ, पता नहीं मैंने वो वीडियो शूट की है या नहीं की है। पहले उन्होंने ना उसमें केन लगाया, ना बकरम लगाया, बस ऐसा फ्लैट सा बना के दे दिया था, ठीक है, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैं जब ट्रायल के लिए गई, ये कहा ये क्या बनाया हुआ है दीदी, ये क्या बना के दे दिया, मैंने फुल फ्लेयर वाला दिया था, इतना बड़ा कपड़ा दिया हुआ है तो सब कुछ तो करिए, ये क्या ही बनाया। मैंने उन्हें समझाया कि ऐसे ऐसे करिए, इस तरह करिए, मतलब एक टाइम पे तो मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी, क्योंकि मुझे ये था कि मुझे यार अपनी बहन की शादी में पहना, बहुत ज़्यादा दिन बचे नहीं थे, मुझे लगता है 10-1 दिन बचे हुए थे शायद,
वो भी मैं शायद ज्यादा ही बता रही, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। फिर मैंने दोबारा सोने सब कुछ बताया कि बकरम लगवाइए, किनकेन लगवाइए, क्या कर रखा है, तब जाके फाइनली ये लुक आया था। एंड ये रहा ये फैब्रिक, बहुत फैब्रिक तो नो डाउट इतना प्यारा फैब्रिक था, ये देख सकते हो, उसमें काम देख सकते हो, नीचे बॉर्डर देख लो पहले, ये देखो, लुक एट दिस बॉर्डर, इतना प्यारा बॉर्डर, इतना प्यारा काम था। मतलब अगर आप इसे किसी के भी पास लेके जाओगे ना एंड इस फैब्रिक के कॉस्ट को पूछोगे तो मे बी शायद वो बता दे, क्योंकि इतना प्यारा वर्क है। पता नहीं जस्टिफाई कैमरा कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। फिर जाके उन्होंने इस तरह से पूरे लहंगे को तैयार किया था, मैंने ही उन्हें बताया कि यहाँ पे बेल्ट का यूज करिए, सॉरी ये पीछे का है, ये बेल्ट का यूज करिए। तो ये बेल्ट का यूज किया उन्होंने, पूरा ऐसे चुन्नट वाला बनाया था। पहले मैंने सोचा था कलियों वाला, पर उन्होंने बोला नहीं, कली वाला आप बनाओगे तो उसमें कट जाएंगी चीजें, कली वाला अलग से कट के ही आता है तब वो अच्छा बनता है, या किसी किसी फैब्रिक में जो बिल्कुल सॉलिड में होता है उसमें कलियां कट जाती हैं, इसमें नहीं कट पाएगी, इसमें आपकी एम्ब्रॉयडरी वगैरह सब खराब हो जाएगी, तो आप इसे चुन्नट वाला बनाइए। तो इस तरह से कुछ चुन्नट वाला बना था बस। हाँ, फिर उन्होंने जब इसे बनाया है तो बहुत अच्छा कर दिया था, देख सकते हो उसमें ऐसे डोरी लगा के ऐसे टेसल्स वगैरह कितने प्यारे यूज़ किए हुए हैं, बस ऐसे अटैच किया हुआ है क्योंकि ये बेल्ट वाले स्टाइल में, मैंने वो वाला नहीं बनवाया डोरी वाला, कसने वाला वो अजीब लगता है। यहाँ पे उन्होंने हुक भी दिया हुआ है, चैन भी दी हुई है, ठीक है। एंड इस तरह से पूरा चुन्नट मैं उठा के उठ के दिखाती हूँ आपको, ये देखो पूरा बहुत प्यारा। एंड इन्होंने नीचे देखो क्या क्या लगाया है, पहले तो ये फैब्रिक तो था ही, ठीक है, एक लेयर ये लगाइए जिसमें बकरम यूज किया है। मुझे एक चीज अभी मैंने आज नोटिस की, बकरम भी थोड़ा एकदम पतली क्वालिटी का लगाया, जो कि मोटी क्वालिटी वाला होता है, बट कोई बात नहीं, उन्होंने एक ये सैटन का फैब्रिक इसमें यूज किया है, ठीक है। और इस नेट पे तो सैटन ही फैब्रिक जाता है अगर आपको पता हो, और नहीं पता हो तो ध्यान रखना जब भी आप नेट का कुछ भी बनवाते हो या ऑर्गेन्जा का कुछ बनवाते हो तो नीचे शाइनी वाला ही होता है, ठीक है, वो कॉटन वॉटन नहीं लगता है। फिर यहाँ पे इन्होंने कैनकेन यूज की हुई है, ठीक है, उसके बाद कैनकेन भी एक कपड़े पे यूज होती है, ठीक है। तो ये दो लेयर कैनकेन की लगा दी है इन्होंने, एक कपड़े से अटैच करके लगाई है, एक अलग से लगाई हुई है, ठीक है। लास्ट बस वही था जिसमें कपड़े से अटैच करके लगाया हुआ है। तो इस तरह से ये पूरा लहंगा जाता है, बहुत भारी हो गया, मेरा हाथ दुख रहा है यार, बट बहुत प्यारा बन के आया था ये लहंगा, पहना था मैंने, आप देख सकते हो, मैं इमेज लगा दूंगी। एंड अभी ट्राई करके क्या दिखाऊं, क्योंकि इसमें दिखाया हुआ है, तो आप फाइनल लुक देख लो कैसा लग रहा है, एंड फाइनल प्राइस भी मैं लास्ट में रिवील कर दूंगी। तो कैसा लगा आप जरूर से जरूर मुझे बताना, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करना। ये रहा फाइनल लुक, इस तरह से कुछ लग रहा है, बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा है। एंड प्राइस की बात करूँ तो आपको फैब्रिक कॉस्ट मुझे पड़ी थी 8,500 और स्टिचिंग की कॉस्ट विद दुपट्टा पड़ी थी मुझे 5,000 रुपये पड़ी थी। तो कुल मिला के ये मुझे पड़ा 13,500 रुपये का। आई नो कुछ लोगों को कॉस्टली लगेगा, बट बताना आपको कैसा लगा, कितना अच्छा लगा, और इस तरह की वीडियोस मैं और लाऊं या नहीं लाऊं ये भी बताना। और जल्दी कुछ इस तरह की वीडियो आने भी वाली है, अभी मतलब थोड़ा सा टाइम है बट आएगी, तो बताना आपको कैसा लगा और कैसी लग रही हूँ मैं, ये भी ज़रूर से बताना। तो चलो बाय। लगे कि इससे मुझे कुछ आइडिया मिल सकता है, मैं भी कुछ क्रिएट करवा सकती हूँ आर्ट फ्रॉम स्क्रैच से, तो वेल एंड गुड रहेगा उनके लिए भी और मेरे लिए भी। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर पसंद आ गया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल, सो आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाए। तो चलो अगली बार मिलती हूँ किसी अच्छे से वीडियो के साथ, किसी अच्छे से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, लव लव, बाय।